बिलासपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को बड़े प्रोजेक्ट दान करने व हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य तीव्र गति से प्रगति की ओर अग्रसर होने का भी दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर विकास नहीं करवाने के अलावा विकास कार्यों में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब भाजपा की सरकार सत्ता में प्रदेश की जनता के हाल में ही भारी बहुमत के साथ आई है। हालांकि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के हिमाचल प्रदेश को पूर्व कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा बड़े प्रोजेक्टों को जनसेवा के लिए समर्पित करने की दृष्टि से कार्य कर रही थी, मगर पूर्व प्रदेश कांग्रेस सरकार ने ओछी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा की प्रदेश सरकार है, अब हिमाचल प्रदेश में अथाह विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया है कांग्रेस के, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र की उनकी उपलब्धि क्या है और इन 4 वर्षों में हमने मोदी जी से क्या लेकर आया? आप देखिए ये प्रोजेक्ट किस और संसदीय क्षेत्र में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 5 केंद्रीय विद्यालय, एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, 25 नेशनल हाईवे, 2 4-लेन जो के लिए रेलवे लाइन, ये सेंट्रल रोड फंड और पीएमजीएसवाई की मैं सड़कें गिना रहा हूं, ज्यादा है ये प्रोजेक्ट, तो मैं वो गिना रहा हूं जो सैकड़ों करोड़ रुपए के और हजारों करोड़ रुपए के। अब हमें लाभ यह है कि राज्य में सरकार बदली है, इन प्रोजेक्ट्स को गति मिलनी शुरू हुई, बीपीआर बननी शुरू हो, रेलवे हम उद्घाटन कराने जा रहे हैं, शिलान्यास ऊना की लाइन जाएगा, भानुपल्ली वाले का जो हमारे हिमाचल हिस्सा है उसका काम शुरू करवाने का अगर समय आए, तो ये जो अब गति मिलनी शुरू हुई है, पहले हम यही झगड़ते थे कि हम केंद्र से लाभ प्रदेश रुकवाती थी, आज दोनों तरफ से सहयोग मिल रहा है तो उसका लाभ मिल रहा है। अब पिछली वाली सरकार की तरह तो है नहीं कि 10 बार चिट्ठी लिखो एक बार कार्रवाई ना हो, आज सरकार ने पहले से कई गुना ज्यादा काम तेजी से शुरू किया है, उसका लाभ मिल रहा है। जो विधायक जी आपने बात की है,